प्रदेश के राहत आयुक्त एवं सचिव रणवीर प्रसाद ने शनिवार को जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राहत आयुक्त ने बाढ़ के स्थायी समाधान हेतु विस्तृत कार्य योजना के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार सिंह एवं अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड व ड्रेनेज खंड के अधिकारी मौजूद रहे। राहत आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लघु मध्य एवं दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण करें और उन्हें समय से क्रियान्वित भी कराएं। स्थलीय निरीक्षण के दौरान राहत आयुक्त ने बाढ़ से प्रभावित ग्राम मोहरीपुर, जंगल नंदलाल सिंह, जंगल बहादुर अली, लक्ष्मीपुर, निरुद्दीनचक, संघझाई, रामपुरचक एवं नया गांव आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। नदी मार्ग से ग्राम शेरगढ़ एवं बहरामपुर आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। राहत आयुक्त ने SDRF बल को सशक्त करने हेतु संसाधनों की आवश्यकता है पर चर्चा की और यह आश्वस्त किया कि जो संसाधन आवश्यक होंगे वह उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा राहत वितरण कार्यों का भी जायजा लिया और वहां पर उपस्थित बाढ़ प्रभावित परिवारों से प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों का फीडबैक लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्थानीय नागरिकों को संसाधनों से लैस किया जाएगा जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे स्थिति संभाल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने कहा हाँ वो फिर अंदर कहीं जा भी सकती है बड़ी ट्रक की। हाँ इसको मूव कराने में थोड़ा सा बंदे बंदे पे नहीं तो सर जमीन है, नदी की धारा नहीं है, जमीन है, जमीन है यहाँ पर सर, जमीन है ना? जी 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 सोच है मतलब खतरनाक है? नहीं 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 खतरनाक नहीं होता, बहुत सुंदर होता है। दाहिना से लेकर मछली कहाँ से आ जाएगा? एक जानवर नीचे मत आना भाई, गंगा जी पहले तिशवी आ गया और अच्छी बात है बहुत ही। ये वही नहीं इधर ले लो भाई यहाँ पर अप्रत्याशित गोरखपुर में पानी नदियों में जलस्तर बढ़ा है और उसके कारण कई गांव प्रभावित हुए थे। यहाँ के जिला प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बहुत ही अच्छा कार्य किया है राहत का। उसके अतिरिक्त जो मेरी यात्रा का एक मुख्य मकसद ये है कि भविष्य के लिए और क्या क्या सिस्टम में सुधार कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग
मुख्यतः जैसे SDRF है उसमें प्रत्येक टीम को 2 अतिरिक्त बोट की व्यवस्था कराने की बात रखी गई है, उस पर भी विचार करेंगे। अभी SDRF की 3 कंपनियां सरकार ने और बनाई हैं और उनको पूरी तरह से उपकरण सुसज्जित करने का निर्णय लिया है। लगभग 65 करोड़ रुपये की धनराशि उसके लिए स्वीकृत की गई है। तो हमारी जो SDRF है सक्षम रहे, एक तो ये है, उसके अलावा जो नदियों में क्या कार्य होना है, भविष्य में क्या कार्य होना है, परंतु जिस तरह से अप्रत्याशित ढंग से पानी बढ़ाया जलस्तर, उसमें जो कार्य किया गया है वो बहुत ही सराहना योग्य है, बहुत ही शकारी है। क्योंकि आपदा में उस समय जब आपदा आती है उसके लिए आवश्यकता पड़ती है, तो ये इकोनॉमिकल भी है और वर्ल्ड ओवर ही व्यवस्था होती है कि जिस समय आपदा का समय होता है उस समय नाव की व्यवस्था की जाती है। इसलिए अभी जैसे जिला प्रशासन के लिए जो मोटर बोट है अभी उसकी व्यवस्था की जा सकती है। SDRF को हम लोगों ने जैसा कहा हर टीम को 2 एक्स्ट्रा बोट दी जाएगी, तो इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे कार्य होगा। अच्छा, एक नाविक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नाविक कल्याण नीति बनी है, उसके तहत जितने नाविक हैं उनको सुरक्षा जैकेट दिया जाएगा, उनको भी टॉर्च दिया जाएगा, उनको भी रस्सी दी जाएगी। तो जो निजी क्षेत्र में जो नाविक हैं, गोताखोर हैं, उनको भी सामग्री और उपकरण दिए जाएंगे, जिससे कि वो भी जो भी आपदा के समय जो कार्य करते हैं, न सिर्फ आपदा के समय, जैसे कोई भी नाव पर भ्रमण करता है तो लाइफ जैकेट इत्यादि रहे, इसकी व्यवस्था करने का की तैयारी की गई है।